इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगल्टॉस की जर्नी के बारे में, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो अब से नॉट सो फेस कैम वीडियोस आने वाली है। फर्स्ट थिंग, एके रेगल्टॉस। इन द स्टार्ट ऑफ रेगा जर्नी ही वॉज नॉट इन टू ई स्पोर्ट्स। रेगा की जर्नी इज समवॉट सिमिलर टू स्काउट। ही वॉज अ क्रिकेटर इन हिज अर्ली डेज एंड इंजरी के चलते उन्हें ई स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ा। देन एंड देयर ही स्टार्टेड प्लेइंग मोबाइल गेम। ही यूज्ड टू प्ले सीओसी, मिनी मिलिशिया एंड डूडल आर्मी, एंड उनका एक क्लैन भी था 4HM नाम से। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही स्टार्टेड प्लेइंग चाइनीज वर्जन ऑफ पबजी आफ्टर इट्स लॉन्च, बट एवरीथिंग वॉज कैजुअल। उनका ई-स्पोर्ट्स को लेके कोई भी प्लान्स नहीं थे। वो कैजुअली रैंक पुश करते थे अपने क्लाइंबर्स के साथ, बट उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया एंड उनके परफॉर्मेंस एंड गेम स्किल्स से वाइपर एंड मॉर्टल वर वेरी इंप्रेस्ड। एंड मॉर्टल ने उनको सोल में इनवाइट किया आफ्टर रोनक एंड ओवेस लेफ्ट टीम सोल। उन्होंने टीम सोल को एज अ फ्रंट असॉल्टर ज्वाइन किया एंड सोल ज्वाइन करने पर रेगा ने कुछ ऐसा कहा। जो ओल्ड सोल थी वो टूटी थी और उस टाइम पे उन लोग को एक प्लेयर चाहिए था, आईजीएल चाहिए था। तो मॉर्टल ने मेरे को अप्रोच किया। मॉर्टल मेरे को बहुत पहले जानता था पर उसको ये नहीं पता था कि मैं कॉम्पिटिटिव भी खेलता हूँ। तो जब उसने देखा कि ये भी खेलता है तो उसने अप्रोच किया। तो वही फिर उन्होंने ट्रायल लिया, वही सेम हर जगह जो रहता है ट्रायल रहता है। फिर उनको अच्छा लगा तो फिर वही सोल में ले लिया उन लोगों ने। सो द लाइनअप ऑफ टीम सोल वाज मॉर्टल, वाइपर, क्लच गॉड एंड रेगल्टॉस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस। ही प्लेड 5 टूर्नामेंट्स इन 2019 व्हिच वर पीएमसीओ, एसए ग्रुप स्टेज, इट्स प्लेन, फाइनल्स एंड ग्लोबल फाइनल। इसके अलावा पीस कीपर एलीट चैंपियनशिप 2019 एंड उनकी कुछ ऐसी स्टैंडिंग्स रही। उनके एडिशन से सोल में बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं पड़ा, बट स्टिल दे मैनेज टू सिक्योर सेकंड पोजीशन इन पीएमसीओ साउथ एशिया फाइनल्स, व्हिच इज ह्यूज इन माय ओपिनियन। ऑल्सो उनका सोलो गेम प्ले वॉज नेक्स्ट लेवल। पीपल यूज टू एडमायर हिज गेम प्ले। उनकी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले लेट्स सी इज वन ऑफ द बेस्ट क्लच स्टिल दे। Now after PMPL, Taunton ने रेगल्टॉस को टीम गॉडलाइक में इनवाइट किया। मेरे को जैसे ही PMPL खत्म हुआ था उसके एक दिन जब मैं घर आया था तो क्रॉन्टन का जो गॉडलाइक के ओनर है उनका मैसेज आया था कि आप PMIS के लिए ज्वाइन करोगे। वो और वो बात मतलब तो क्रॉन्टन ने स्ट्रीम पे बोल दिया था कि अप्रोच करा है उन्होंने मेरे को। तो जो ऑडियंस होती है वो फिर वो पूरा कर देती है कि अब ये गॉडलाइक में जा चुका है, अप्रोच कर दिया इसका मतलब। तो बस वही था कि र्यूमर्स नहीं था, अप्रोच करा था और मैं वैसे भी सोल छोड़ नहीं सकता। Now moving forward to 2020, he played many tournaments and was highly active until 2020. He played total 33 tournaments, जिनमें से 6 officials हैं and 27 unofficial. And उन tournaments की कुछ ऐसी standings रही. But 2nd September 2020 में game ban होने की वजह से he stopped competitive scene for a while. And after the break, उन्होंने July 2021 से फिर से competitive scene में entry ली. And he played total 25 tournaments. And फिर से एक बार game ban हुआ, but this time he quit competitive scene and team Seoul because his father was not well. His fans were really disappointed with his decision and unko iske liye kafi hate bhi mila. And after leaving esports he started content creation. As a CC unhone kafi acha grow kiya. Unhone ban ke dauran kafi different games khele like Among Us, Valorant, GTA and many more. Now he has over more than 2.32 million subscribers on his YouTube channel. 2022 mein unhone team 8bit ko join kiya jisse unhone sirf 4 hi tournaments khele and he left team 8bit and competitive scene as well. But game ki wapsi hui and Rega ne Goldie Bhai ki stream par apna comeback announce kiya. Unhone team VG se apna comeback किया जिससे उन्होंने सिर्फ एक ही टूर्नामेंट खेला, बट वो लाइनअप वर्कआउट नहीं कर पाया एंड इट गॉट डिसबैंड। इसके बाद उन्होंने फिर से टीम 8bit को ज्वाइन किया एज अ फिफ्थ प्लेयर, जिसमें ऑफ कोर्स 5 प्लेयर्स थे, जूसी, मैडमैन, बीस्ट, माइटी एंड रेगल्टॉस। 8bit से अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट्स खेले, दैट इज BGMS सीजन 2 जहां पर उन्होंने 10th पोजीशन सिक्योर करी। इसके बाद BGIS व्हिच इज एन ऑफिशियल टूर्नामेंट जिसमें राउंड 2 में वो क्वालीफाई नहीं कर पाए एंड सैडली टीम 8bit उस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उनके रिजल्ट्स के बाद टीम 8bit माइट डिसबैंड। इस पर मर्सी ने कुछ ऐसा कहा। BGIS का रन ओवर हो गया 8bit का, अभी तो BGIS का कुछ है नहीं। अक्टूबर अभी देखते हैं, अक्टूबर एक महीना तो हम लोग के पास कुछ है नहीं वैसा ऑफलाइन टूर्नामेंट के अलावा। ऑफलाइन टूर्नामेंट में जितना खेल रहे अभी तक देखते हैं, अभी एक महीने का क्या परफॉर्मेंस रहता है उस हिसाब से करेंगे। नाउ इन हिज प्रोफेशनल करियर ही हैज वन ओवर $14,300 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 11.85 लाख इंडियन रुपीस। ऑल्सो टू माय सरप्राइज उन्होंने आज तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता, वेदर ऑफिशियल और अनऑफिशियल। नाउ कमिंग बैक टू हिज परफॉर्मेंस, उन्होंने रिसेंट टूर्नामेंट्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन, उन्होंने काफी बड़ा ब्रेक लिया गेम से, बट हिज फैंस वर रियली हैप्पी फॉर हिज कमबैक। बट क्या वो अभी भी सीन को डोमिनेट कर सकते हैं? वेल ये जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में हमने डाउनफॉल एंड कमबैक पर डिस्कशन किया है, बट जिसने हमें बनाया अगर हम उससे ब्रेक लेते हैं देन कमबैक इजी नहीं होता। ठीक कहा तूने, झूठ कहा मैंने, सीज करूं मोमेंट बना पलट बना मत लूट रहा बन
दोबारा से टूट रहा, हर दिन गुजरता है जूझ रहा, तेरी याद में स्विच फूक रहा, चल संकरम बैठ नोट बना, फिर कंसल आता है डोप गढ़ा, किस्मत की चांदी है पिघले पिघले दिखती।